हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो यहाँ पर हम लैपलास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 17 पर डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी से डील करने वाले। तो इससे पहले हमने क्या क्या देखा, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सब कुछ दुनिया भर का मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। याद होना चाहिए गाइज, याद होना चाहिए क्योंकि ये लेक्चर नंबर 17 है। हर टाइप के सम्स कवर किए, हर टाइप के जितने भी तुम्हारे स्टैंडर्ड बुक में होते, कुंभोजकर जैसे बुक हो या तुम्हारे यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी स्टैंडर्ड्स हमें, सब कुछ कवर किया, ऐसा कुछ भी छूटा नहीं है। तो यहाँ पर डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी में सबसे पहले बात करते हैं है क्या, उसके बाद देखते हैं कि मुझे क्या क्या लगने वाला बेसिक रिक्वायरमेंट में। चलो देखते गाइस, यहाँ पर देखो सबसे पहले तो अपने को ये मालूम है इफ एफ ऑफ टी दिया है, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी हमें मालूम है कि एफ ऑफ टी का लैपलास क्या होता है, एफ ऑफ एस होता है, ये हम सबको मालूम है, ईच एंड एवरी वन सबको ही पता ही है। देन अगर इसके अंदर कोई छेड़खानी हुआ है, छेड़खानी मीन्स वॉट, प्रॉपर्टी का मतलब छेड़खानी होता है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकेंड शिफ्टिंग, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी, ये सब जितने भी था है, क्या था, एफ ऑफ टी के साथ छेड़खानी हुआ था। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, देन लैपलास ऑफ, तुम लोग मुझे बताओ यहाँ पर क्या छेड़खानी किया है। सर अभी तक तो कोई छेड़खानी नहीं किया है। देखो ध्यान से देखो, डिवाइड में टी आया है, क्या दिख रहा है, डिवाइड मतलब ये वाला एफ ऑफ टी का हम लोग ने लैपलास लिया एफ ऑफ एस आया। अगर इसी एफ ऑफ टी के नीचे टी रहेगा तो हम लोग डील कैसे करने वाले, ये देखो ये जो ऊपर रहता है ना, मीन्स वॉट, न्यूमरेटर, पूरे न्यूमरेटर को हम लोग एफ ऑफ टी बोल रहे हैं, दिख रहा है, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमीटर है, पूरे न्यूमरेटर को हम लोग एफ ऑफ टी बोलेंगे, और इस एफ ऑफ टी का लैपलास ले लो तो हम लोग को क्या मिलेगा, एफ ऑफ एस, ऊपर ही देख लिया, दिख रहा है यहाँ पर। मल्टीप्लीकेशन बाय टी में हम लोग ने डेरिवेटिव लिया था, मतलब डिफरेंशिएशन किया था, यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले, मींस व्हाट, इसी का हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले। लेकिन ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब लिमिट आ जाता ना इन्फिनिटी, देखो मतलब लिमिट हो जाता है, ये क्या होता है, थोड़ा टाइम रुक जाओ मैं बताता हूँ, मीन्स व्हाट, देखो अगर इन शॉर्ट तुम लोग को ये बताना है, जो भी न्यूमरेटर रहेगा उसको एफ ऑफ टी मान लो, और एफ ऑफ टी का क्या करना है, लैपलास ले लो, जिसको बोलेंगे एफ ऑफ एस, उसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब टी डिवाइड बाय टी वाले का इफेक्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन से लेकर आता है। अच्छा जैसे तुम लोग को ये भी पता होगा कि ये सबका मैं प्रूफ, जैसे ये सीरीज खत्म होता है लैपलास ट्रांसफॉर्म का, हर एक प्रॉपर्टी का मैं तुम लोग को यहाँ पर ये बता दूंगा कि प्रूफ आया कहाँ से। तो अभी ओवरव्यू के लिए मुझे न्यूमेरिकल्स कराना है, मेन फोकस मेरा न्यूमेरिकल्स रहता है जैसे तुम लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पर ये देखो, ये कंसेप्ट होता है, सर ये क्या है आप इन्फिनिटी और एस, थोड़ा सबर रखना बच्चा, तेरे को डेरिवेटिव में प्रॉब्लम था लेकिन तुमने तीन पार्ट देखा था मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी में, अब मुझे नहीं लगता कि तेरे को डेरिवेटिव या मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी में तकलीफ होगा। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा, देखो सब कुछ तकलीफ दूर करने के लिए, मुझे ये हो गया प्रॉपर्टी, ये पहला पार्ट है यहाँ पर, मतलब ये पहला पार्ट मतलब ये प्रॉपर्टी बोलता है, लेकिन इसके अलावा भी क्या प्रॉपर्टी से काम हो जाता है, नहीं, कुछ ना कुछ हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला जैसे दिख रहा है यहाँ पर इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं लगने वाला है। तो इंटीग्रेशन नहीं आता तो तकलीफ मत लो, क्योंकि तुम्हारा आशीष सर है, अभी आशीष सर है, मैंने हर बार बोला है। तो यहाँ पर बेसिक इंटीग्रेशन क्या क्या लगने वाला है वो देखो, बेसिक इंटीग्रेशन कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिक इंटीग्रेशन में मुझे दो ही पार्ट लगने वाला, दो ही पार्ट, ये जितने भी सम होते हैं ना डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी में, दो ही पार्ट, साइन एक्स, कॉस एक्स, हाइपरबोलिक, ये सबका नहीं लगता इंटीग्रेशन, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले आता है देखो, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एस, तुमने जो 12th स्टैंडर्ड में या डिप्लोमा में किया था उधर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एस, जाहिर सी बात है यहाँ पर एफ ऑफ टी से जब तुमने लैपलास लिया तो ये वेरिएबल क्या हो गया, टी वाला एस डोमेन में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग को अभी यहाँ पर एफ ऑफ एस का इंटीग्रेशन करना है, एफ ऑफ एस का, एस मतलब मेन वेरिएबल कौन है, एस, तो विथ रिस्पेक्ट टू एस किया जाएगा, ये चीज़ याद रखना, हर एक चीज छोटी छोटी चीज तकलीफ देगी बाद में, इसलिए पहले से कवर कर लेते हैं हर चीज। चलो गाइस, बेसिक इंटीग्रेशन में क्या क्या लगने वाला वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो मुझे लगने वाला इंटीग्रेशन, वन अपॉन, अगर कहीं पर भी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखेगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अच्छा इंटीग्रेशन में विथ रिस्पेक्ट टू डी एस आएगा, ये क्लियर रखना, कहीं पर भी ऐसा दिखा वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो तुमको क्या करना है, यहाँ पर ज्यादा टफ नहीं है, देखो क्या करोगे, वन अपॉन ए लिखोगे, टेन इनवर्स ऑफ एस बाय ए लिखोगे, बोलो ये क्लियर हो गया, वन अपॉन ए टेन इनवर्स ऑफ एस बाय ए, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, हमने डिप्लोमा या 12th स्टैंडर्ड में किया रहेगा या 11th में किया रहेगा, अगर नहीं किया तो भी कोई तकलीफ नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ उतना चीज़ तुम्हारे नोट्स में होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लो मत गाइस प्लीज़, मैं हर बार तुम लोग से बात करने का ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पर ये चीज़ समझो, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस का क्या आएगा, वन अपॉन ए। चलो यहाँ पर गाइस, दूसरा जो लगने वाला है देखो, नीचे का अगर डेरिवेटिव एफ ऑफ एस का, गाइज अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर वाला मिलता है, वन मोर टाइम, नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर वाला मिलता है तो हम लोग क्या लिखते हैं देखो, विथ रिस्पेक्ट टू डी एस, अगेन रिपीट कर रहा हूँ सर क्या बोले, नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर मिलता है तो लॉग ऑफ नीचे वाला, लॉग ऑफ नीचे वाला मीन्स वॉट, यहाँ पर ये दिख रहा है लॉग ऑफ नीचे वाला, नीचे कौन है, यहाँ पर एफ ऑफ एस है,
कभी कभी मैडम लोग इसको मोड़ देते तो कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर देखो गाइस, इसमें तो सर आपने बोला कि ये देखो लिमिट के ऊपर, ये ऊपर कुछ तो दिया, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, ऊपर है, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं है। तो गाइस एक चीज़ याद रखना, लाइफ में जब लिमिट देता है तो उसको डेफिनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं। डेफिनाइट क्या बोलते हैं इसको? डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट, ओके। और जब लिमिट नहीं देता है तो हम लोग उसको इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं। हर एक चीज़ कवर होएगा तो अच्छा रहेगा ना। बात यह है कि मुझे यही नहीं सिखाना है, इसके अलावा भी मैंने डायरेक्टली हमेशा फोकस किया डिप्लोमा स्टूडेंट के बारे में। तो यहाँ पर देखो, जब ये नहीं रहता तो हम लोग आगे लिखते प्लस सी। क्या लिखते हम लोग? प्लस सी। ये नहीं लिखोगे चलेगा, अभी के लिए तुम लोग को ये समझना है। इसको क्या बोलते हैं? इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट मतलब हम लोग को फिक्स वैल्यू नहीं मालूम है कि इसका आंसर क्या आएगा। सर इतना कन्फ्यूज क्यों? अरे छोड़, यहाँ पर हटा देता हूँ, हटा देता हूँ, बात करना था इसलिए मैंने बात कर लिया। बात करना बोलते ना यार, बात करने से सब कुछ होता है, इसलिए यहाँ पर ये क्लियर रखो। सर इसका एग्जांपल दो ना, हम लोग फैमिलियर नहीं है, बच्चा टेंशन मत ले। ये देखना, पहले एक कसम खा लेते, हम लोग के पास मल्टी जब डेरिवेटिव करते हो ना तो यू अपॉन वी का रूल होता है, ग्रेट। जब इंटीग्रेशन करते तो यू अपॉन वी का रूल होता नहीं है। अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो यहाँ पर भी यू ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमीटर है, यहाँ पर भी न्यूमरेटर और डिनोमीटर है। गाइज वन मोर टाइम, जो बात करना चाहता हूँ यहाँ पर सुन लो, यहाँ पर ऊपर वन है, यहाँ पर ऊपर वन नहीं, यहाँ पर एस का टाइम रहेगा। जब ऊपर वन है तो हम लोग क्या बोलेंगे? एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वन अपॉन है। एग्जाम्पल लेते तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गाइज सुनो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इंटीग्रेशन लिखा है वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। बोलो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? सर ऊपर वाला, ग्रेट। तो क्या आएगा? वन अपॉन ए। वन अपॉन ए मतलब ये गाइस ये लैपलास नहीं, ये इंटीग्रेशन है, ये चीज याद रखना। वन अपॉन ए मतलब देखो ए स्क्वायर, ए मतलब टू। यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ एस बाय ए, एस बाय ए मतलब एस बाय ए, यहाँ पर टू आएगा। बोलो ये क्लियर हो गया गाइज? यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या लिमिट दिया है? नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस सी। मत लिखो, कोई तकलीफ नहीं है, ये क्लियर होएगा। हाँ या ना? नाउ सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन वन अपॉन एस, ये वन अपॉन एस डी एस, ये डी एस समझना चाहिए तुम लोग, डी एस, डी एस। गाइज याद करो, गलती से भी ये मत सुनना सर हम लोग ने किया था डेरिवेटिव वाला, वन अपॉन एस रेस टू एन का फॉर्मूला था, माइनस एन एस रेस टू एन प्लस वन, लेकिन वो क्या था? डेरिवेटिव था। यहाँ पर डेरिवेटिव सिखा रहा हूँ क्या? नहीं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में सर ने ये सब फॉर्मूला बोला याद ही मत रख, सिर्फ दो ही फॉर्मूला बोला। अच्छा मुझे बोलो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला या ये वाला? देखो वन अपॉन, इधर तो एस स्क्वायर आता है, यहाँ पर एस स्क्वायर है नहीं, एस स्क्वायर के साथ आगे ए स्क्वायर आता है। गाइस छोड़ो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला आ रहा है। देखो एस का डेरिवेटिव क्या होता है, एस का डेरिवेटिव क्या होता है, एस का डेरिवेटिव क्या होता है? वन। क्या ऊपर वन आ रहा है? ग्रेट सर, आ रहा है। तो यहाँ पर जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला आ रहा है तो लॉग ऑफ नीचे वाला, मतलब इसका आंसर आएगा लॉग एस। बोलो ये क्लियर हो गया? और नहीं समझा चलो तेरे लाइफ की बात करता हूँ। यहाँ पर एकदम ईजी और फंडा बनाते हैं। तीसरा, यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखा हो वन अपॉन या फिर एस, एस लिखा है, टू एस लिखा है और एस स्क्वायर प्लस फोर। देखो यहाँ पर गाइस गलती से भी ये नहीं सोचना, क्या नहीं सोचना सर कि नीचे एस स्क्वायर है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। गाइस क्या तुमने ये सोचा क्या ऊपर भी एस है, ऊपर भी एस है मतलब ये वाला हरगिज नहीं लगेगा। ये याद रखना, ऊपर एस नहीं होता। ये क्या बोल रहा है? ऊपर एस नहीं, ये याद रखना, ये क्लियर हो गया। अच्छा ऊपर एस है तो एक काम करो, पहले नीचे का डेरिवेटिव करो। नीचे का डेरिवेटिव क्या होगा? एस स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एस होता है और फोर का डेरिवेटिव जीरो होता है। अच्छा यहाँ पर डी एस है विथ रिस्पेक्ट टू डी एस है, तो ये क्लियर रखो। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, देखो एस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव पूरा करो, देखो डी बाई डी एस पूरा नीचे का डेरिवेटिव करो, बीच में प्लस है तो ये डेरिवेटिव जाएगा तो टू एस और इसका क्या हो गया जीरो। क्या ऊपर टू एस है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है? हाँ है, तो आंसर क्या आएगा? लॉग ऑफ नीचे वाला, लॉग ऑफ नीचे वाला मतलब एस स्क्वायर प्लस फोर। बोलो ये क्लियर हो गया? हाँ या ना? देखो कुछ चीज़ें तुम लोग को समझना पड़ेगा अरेंजमेंट का भी, मतलब सर समझा नहीं। गाइज यहाँ पर देखो, यहाँ पर एस स्क्वायर है प्लस फोर है, सर दोनों में डिफरेंस क्या है? अरे दोनों में डिफरेंस है, नीचे का डेरिवेटिव कर सर वापस टू एस आ रहा है लेकिन ऊपर एस है, ऊपर टू एस है क्या? नहीं। तो गाइज यहाँ पर याद रखना, ऊपर क्या होना चाहिए? टू एस होना चाहिए। अपने पास टू एस है क्या? नहीं है। तो गाइज कैन वी मेक, क्या हम बना सकते हैं? लाइफ में ये सीखा है, अगर मैंने यहाँ पर देखो गलती से भी नहीं, आज रियलिटी में टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड किया तो मीनिंग चेंज हुआ क्या? देखो मीनिंग चेंज हुआ क्या? देखो जरा, या देखो ना ये टू ओवरऑल डिवाइड हो रहा है, मतलब जब जरूरत होगा तो मैं नंबर का अरेंजमेंट कर सकता हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब देखो इतने पार्ट को ध्यान से देखो, यहाँ पर ये वन अपॉन टू, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला मिल गया तो लॉग ऑफ नीचे वाला। तो मेरे हिसाब से तुम लोग को अभी तकलीफ नहीं होगा, एक सम और कर लेते हैं ताकि तुम लोग इंटीग्रेशन में हाथ बैठ सके, ठीक है गाइस? यहाँ पर देखो मैं सिखाना बहुत कुछ चाहता हूँ यार, बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ फ्री में जितना हो सके, लेकिन प्रॉब्लम एक ही चीज़ है,
कि यार बच्चे देखते नहीं वीडियो का लेंथ, जहाँ पर 10 मिनट का वीडियो दिखता है ना बच्चे वहाँ पर चले जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम उनका माइंड में एक ही है कि एग्ज़ाम निकल जाए, पास हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बच्चा फिर रह जाता है, तेरे को उससे वही पूछेगा तो बता सकता, उससे रिलेटेड कुछ और पूछेगा तो नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ डिस्कशन होता है, 10 मिनट में इतना सब डिस्कस नहीं होता है। तो इसलिए मेरा वीडियो का लेंथ हमेशा मैं 1 घंटा 1.5 घंटा, कभी क्लास में जाता तो टीचर लोग बोलते सर इतने में ही ख़त्म कर दो ना, इतने में ख़त्म कर दो। मैं एक ही बोलता हूँ, नहीं यार इतने में ख़त्म करना मतलब भगाना होता है, तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज करो मेरे साथ जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी 16 लेक्चर तक तो मेरे साथ थे ना, तो लास्ट में तो साथ नहीं छोड़ सकते तुम लोग मेरा। चलो यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखना, यहाँ पर लिखा मैंने s³ + समझो 5 लिखा है, यहाँ पर लिखा मैंने s² क्या लिखा है यहाँ पर s² गाइस बोलो, नीचे का डेरिवेटिव करो, s³ का डेरिवेटिव 3s² और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो मतलब सर आप क्या बोलना चाहते हो, देखो नीचे का डेरिवेटिव 3s² + 0 मतलब 3s² आया, ऊपर s² दिख रहा है, तो ग्रेट सर क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो 1/3 log ऑफ, देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला तो log ऑफ नीचे वाला, बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना। देखो यहाँ इसके अलावा हो गया क्या सर आपका, मैंने कौन सा पार्ट कवर किया, बी वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेसिक इंटीग्रेशंस। नाउ यहाँ पर देखना सबके सब, अब जब इतना तुम लोग ने कवर कर लिया है तो एक बार एक काम करो, वीडियो पॉज करो, लिख लो गाइज, वीडियो पॉज करो लिखो जरा, यहाँ पर लिखा रहेगा वीडियो पॉज किया ग्रेट, या तो स्क्रीनशॉट ग्रेट गाइज, ये मेरा बेसिक इंटीग्रेशंस हो गया। यहाँ पर अगर मैं वापस इसको रफ करता हूँ और मैं जो बात करने वाला हूँ, यहाँ पर देखो बेसिक इंटीग्रेशंस के अलावा मुझे कहीं ना कहीं तुम लोग को दिख रहा लॉग आ रहा है, लॉग आ रहा है, मतलब मेरे को कहीं ना कहीं लॉग का प्रॉपर्टी आना चाहिए, समझ रहे, चीज़ों को समझो। मैंने जो बोलना चाहता हूँ यहाँ पर देखो, पहले में मुझे क्या दिख रहा था, 10 दिख रहा था, 10 बोलो ये क्लियर है। चलो देखते हैं यहाँ पर गाइस, क्यों सर यही तो प्रॉपर्टी क्यों लिया, तुम लोगों ने नोटिस किया बी वाला पार्ट में क्या था, बोलो एक बार वापस, बेसिक इंटीग्रेशंस, हाँ ग्रेट, बेसिक इंटीग्रेशंस होता क्या सीखा हम लोग ने, 1/, अगर s² + a² रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/a tan इनवर्स ऑफ s/a, ये क्लियर हो गया। पिक्चर में आया कि ये सब चीज़ वो देखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला आया तो क्या लिखते हैं हम लोग, लॉग ऑफ नीचे वाला, ग्रेट। यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं मुझे टेन इनवर्स से लेना देना है और लॉग से लेना देना है, ये क्लियर हो गया। तो जो मैं बात करने वाला, देखो बेसिक्स ऑफ टेन इनवर्स, बेसिक्स ऑफ टेन इनवर्स का फॉर्मूला, टेन इनवर्स का फॉर्मूला, ये हमने कहाँ सीखा था, डिप्लोमा या तो 12th में, लेटेड भी तुम लोग सीखा है या नहीं सीखा है मुझे लेना देना नहीं। मेरे हिसाब से तुम लोग ने पहले से डील किया है, दूसरे से डील हो गया, तीसरे से बात करने की बाकी है। बेसिक्स ऑफ टेन इनवर्स का फॉर्मूला देखो क्या होता मालूम है, कभी लाइफ में टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई दिखा, मतलब सर दो टेन इनवर्स दिख रहा है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दो टेन इनवर्स दिख रहा है, एक टेन इनवर्स देखो इसके पास क्या है एक्स है और इसके पास क्या है वाई, तो यहाँ पर दो टेन इनवर्स दिख रहा प्लस में, तो सिंपल है दो टेन इनवर्स देखा तो एक टेन इनवर्स लिखने का, बोलो क्लियर रहेगा। एक्स दिखता है, हाँ लिखा एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस लिखने का, प्लस वाई अपॉन अबाउट 1 - xy, ये बेसिक्स फॉर्मूला होता है गाइस, बेसिक्स फॉर्मूला बोलते हैं 12th स्टैंडर्ड में। नहीं समझा चल तेरे पास एक और ऑप्शन है, अगर पहला समझ गया नहीं समझा तो तकलीफ नहीं, तेरे पास लाइफ में हर एक चांस देता हूँ, 10 inverse of x - 10 inverse of y, जब दो 10 inverse दिखता है तो क्या लिखने का, एक 10 inverse लिखने का, और ये क्या है x है, हाँ लिखा माइनस y है, माइनस क्यों लिखा, बीच में माइनस है तो माइनस, और 1+ साइन चेंज करने का, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बोलो ये समझ गया। मतलब तुम लोगों को यहाँ से ये डील कर रहा हूँ कि देख भाई कहीं ना कहीं मुझे 10 inverse आ रहा है और 10 inverse से लेना देना है तो मुझे ये फॉर्मूला आना चाहिए, ये क्लियर हो गया। तो सर लॉग भी तो दिख रहा है, हाँ लॉग आ रहा है तो मैंने लॉग के बारे में बात कर लेता हूँ ना गाइस, ये चीज़ याद रखना, बेसिक्स ऑफ व्हाट लॉग, मतलब बेसिक्स ऑफ लॉग मतलब क्या हो रहा है, लॉग लॉगरिथम, लॉगरिथम गाइस, अगर तुम लोग को लॉग के बारे में डीप एनालिसिस करना है, जो तुम लोग कैलकुलेटर में करते हैं ना लॉग ln कुछ, तो देखो तुम्हारे कैलकुलेटर में गाइस, इंजीनियर हो कैलकुलेटर तो खरीदा रहेगा, इतने तो गरीब नहीं अपन, 809 रुपये 991 ES करके कैलकुलेटर रहता है, दुनिया भर का कैलकुलेटर रहता है। तो वहाँ पर देखो ln लिखा है, लॉग लिखा है, देखो वहाँ पर कैलकुलेटर में ई लिखा है, ऐसा कुछ तो दिखेगा तुम लोग कैलकुलेटर में, ये है क्या ln log ई, ये है क्या? देखो इंजीनियर लोग को आदत नहीं है, क्यों नहीं आदत है, क्योंकि उनके पास कैलकुलेटर है और उन लोगों को लेना देना नहीं है ln क्या है log क्या है, क्योंकि उनको बटन दिखता है ln तो ln को दबा देते हैं, log दिखता है तो लोग log को दबा देते हैं। बट गाइस ये है क्या, इसके बारे में भी डीप एनालिसिस करने के लिए मेरे पास logarithm का, मैंने 12th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से log का वीडियो बनाया था स्पेशली इसके बारे में। तो गाइस अगर टाइम मिला तुम लोग के लाइफ में कभी 3 घंटा निकाल के, 3 घंटे का वीडियो, 3 घंटा, अरे 7 वीडियो है,
6 से 7 वीडियो है, तो वो देखने के लिए 3 घंटा इनफ है। पूरा एनालिसिस हो जाएगा, कभी किसी को बता सकते हो, अपने बच्चे को, अपने बीवी को, समझ रहे हो, यहाँ पर टीचर को बता सकते हो कि अच्छा मैडम इसका लॉग का मतलब बेस ये होता है, सर ये बेस वगैरह क्या, वहाँ पर सीख लोगे। अब फंडा मेरा यहाँ पर लॉग है, देखो पहला प्रॉपर्टी लॉग दिखता है, हाँ सर लॉग दिखा, लॉग के बाजू में एम रहता है और इसके एन रहेगा। देखो लॉग के पावर में एम, जो ऊपर वाला रहता है ना उसको हम लोग नीचे गिरा सकते, क्या गिरा सकते, नीचे, यहाँ पर एन लॉग एम, मतलब सर समझा नहीं, रुको मैं बात करेंगे एग्जाम जैसे जैसे मतलब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो हो जाएगा। ये जो दिखता है ऊपर वाला इसको नीचे गिरा देंगे। सेकेंड लॉग एम माइनस लॉग एन, जब दो लॉग दिखते हैं ना, दो लॉग, जैसे यहाँ पर देखो दो टेन इनवर्स लिखा तो हम लोग ने एक टेन इनवर्स लिखा, तो दो लॉग दिखता है तो एक लॉग लिखने का, बोलो ये समझा, हाँ सर। उसके बाद क्या करोगे आप, माइनस है तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई अपन, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, माइनस रहता तो ये बोलता है, जो प्लस वाला रहता ना एम अपन में ऑड, ये जो माइनस वाला रहता है वो नीचे आता है, मतलब सर समझा नहीं। देखो लॉग, अगर समझो 5 - log 2 है, ये दिख रहा है दो लॉग है तो लॉग लिखने का, और जो ऊपर प्लस पहला आता है ना उसको ऊपर लिखने का, और जो दूसरा आता है उसको दूसरा लिखने का, नीचे लिखने का। और एक चीज़ नोट करना है नोट यहाँ पर इसमें नोट दे रहा हूँ, लॉग का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, लॉग का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट 1 मतलब सर लॉग के बाजू में जो चिपका है ना वो 3-4 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, लॉग यहाँ पर समझो 9 है, यहाँ पर समझो हाँ 9 है और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर माइनस लॉग 7 है, ये दिख रहा है तुम लोगों को गाइस, यस सर। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो सर लॉग ए माइनस लॉग बी तो गलत हो रहा है, क्यों गलत हो गया, मैंने यहाँ पर कुछ तो नोट दिखा, देखो लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम एम माइनस लॉग एन, गलत, ये लॉग एम है ही नहीं, ये दिख रहा है ये तकलीफ दे रहा है, तो इसको हम लोग ऊपर लेके जा सकते। देखो अगर तुम लोग ऊपर वाले को नीचे लेकर आ सकते हो तो नीचे वाले को ऊपर, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, लॉग लिखा 9, इसको ऊपर लेके जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये याद रखना। मतलब सर आप बोलना चाहते हो लॉग 9 के ऊपर स्क्वायर रहेगा तो हम लोग 2 को नीचे गिरा सकते हैं, बोलो ये समझा तुम लोगों को, पहला प्रॉपर्टी यही बोल रहा है, तो दूसरे वे से भी कर सकते हो, मतलब उल्टा भी कर सकते हो। अब माइनस लॉग 7, नाउ 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर 81, अब क्या ये बन गया दूसरा प्रॉपर्टी, देखो लॉग ए एम माइनस लॉग एन, तो दो लॉग है, एक लॉग लिखने का, प्लस वाले को 81 और माइनस वाले को 7, ये आंसर रहेगा, बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल यहाँ पर ये देखो एग्जाम्पल, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए ना। कहीं ना कहीं मुझे और एक चीज़ लगने वाला है, क्या लगने वाला वो बताओ, तुम लोगों ने 10 का डब्बा देखा रहेगा, 10 के बारे में देखा रहेगा बचपन में, 9th और 10th में, देखो ऐसा 10 था, टीटा यहाँ पर 0, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। देखो 10 का याद होगा तुमको, हम कैसे पढ़े थे, बचपन वाला चीज़ है, कोई नया चीज़ नहीं सीख रहे, ये नया चीज़ सिखा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। मतलब 0 लिखते थे हम लोग, याद करो 1/√3, अगेन ये 1 इधर, ये √3 इधर, और इधर आता था इन्फिनिटी। गाइस ये याद रखना, रेडियन क्या होता है, रेडियन मतलब यहाँ पर ये जो एंगल दिखता है ना, एंगल, इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते थे। रेडियन मतलब सर क्या होता है, जिस तरह देखो इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री, अगर किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना रहेगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, देखो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब सर समझा नहीं, यहाँ पर बात कर लेता हूँ, अगर 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 30 लिखने का इनटू व्हाट, पाई बाय 180, देखो ये जीरो कैंसिल, 3 1 3 6, मतलब हम लोग लिखेंगे पाई बाय 6 रेडियन लिखते हैं। मतलब बोलने का मतलब क्या है सर आपका, मेरा बोलने का मतलब ये, बच्चा तू चीज़ों को समझ कि एक डिग्री होता है तो एक रेडियन होता है। टेंथ तक हम लोग ने डिग्री में खेला, जैसे 11th और 12th में आया हम लोग ने देखा कि एंगल का एक और यूनिट होता है रेडियन, ये समझ रहा है तुम लोग, इसको स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्लियर रखो, जिस तरह 30 डिग्री का बात किया तो उसी तरह 60 डिग्री का बात करेंगे, क्या हो जाएगा, 60 इंटू व्हाट, पाई अपॉन 180, ये 0 0 कैंसिल, 6 1 6 3, मतलब पाई बाय 3। सर इतने भी बच्चे नहीं है, मैंने बच्चे सोच के ही बताया है तुम लोगों को, समझा कितना मिनट का वीडियो हो गया, यहाँ पर 20 मिनट के आसपास हो गया। चलो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देखते क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री के लिए क्या होगा, 90 इंटू व्हाट, पाई अपॉन 180, तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 9 1 9 2, मतलब कहाँ ना कहीं ना कहीं पाई बाय 2 आया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब बोलने का मतलब देखो, 0 डिग्री का 0 रेडियन, 30 डिग्री का क्या मिला, पाई बाय 6 रेडियन, 45 डिग्री का अगर करोगे तो यू विल फाइंड पाई बाय 4 रेडियन, और 60 डिग्री का पाई बाय 3 रेडियन, और यहाँ पर पाई बाय 2। सर ये क्यों बता रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें, ये चीज़ समझो, हम लोग को अगर कभी लाइफ में 10 इनवर्स के बारे में बोला ना, 10 इनवर्स 1/√3, क्या बोला है सर आपने, 10 इनवर्स 1/√3 का जब इनवर्स आता है तो तुम लोग एंगल में आंसर देते हो, तो आंसर क्या है,
देखो टेन इसका क्या है, पाई बाई सिक्स बोलो या तो 30 डिग्री। अब बड़े हो चुके हैं, रेडियन बोलना सीखो यहाँ पर। तो यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी का क्या आएगा, 90 डिग्री या तो फिर पाई बाई टू। ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लगने वाला है। सिर्फ इतने के लिए मैंने ये पूरा भाषण दे दिया भाई, इतने के लिए मैंने ये पूरा भाषण दे दिया। क्यों सर इतने के लिए क्यों? मैंने लॉकडाउन में समझ गया कि लॉकडाउन में ये समझ गया कि बच्चे का दिमाग मेंटल हालत क्या हो चुका है, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया है, और जिसकी वजह से ऑनलाइन के लेक्चर में उन लोग ये चीज़ फोकस नहीं कर पाए। उन लोगों को लगता है कि ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हो पाता, ऐसा नहीं है। टीचर को ऑनलाइन में डबल मेहनत करना पड़ता है, समझ रहे ये चीज़। तो तुम लोगों को भी थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। ये हो गया क्या सर? हाँ हो गया है, ऑलमोस्ट डन गाइस। देखो ये पूरा चीज़ मुझे लगने वाला है, क्या क्या लगने वाला है। एक तो यहाँ पर डिवाइड बाई टी वाला फॉर्मूला इतना बता के छोड़ देता जो लोग दूसरे वीडियो में बताते हैं। मानते हो या नहीं मानते हो, कोई भी वीडियो ओपन करो, यूट्यूब पे जाओ और कोई भी वीडियो ओपन करो, उन लोग ये बता के उसके बाद ये सब चीज़ नहीं बताएंगे, क्योंकि वो लोग प्री एज्यूम कर चुके हैं कि बच्चे को ये सब के बारे में बहुत अच्छा खासा नॉलेज है। लेकिन अपने को मालूम है अपने को कितना आता है कितना नहीं, ये चीज़ याद रखना ना भाई। ये हो गया क्या सर? एक और पार्ट दे दूँ क्या यहाँ पर? अच्छा इसका भी फोटो ले लो या स्क्रीन शॉट ले लो, लिया रहेगा यहाँ पर, लिया सब ने। चलो ये डी हो गया, ये ई मान लेते हैं, ई वाला पार्ट, ई वाला पार्ट, और एक एफ वाला पार्ट दे देता हूँ, एफ वाला पार्ट। बस हो गया गाइस। एफ वाला पार्ट ये है कि कभी भी लाइफ में यहाँ पर एक रिलेशन होता है। एक रिलेशन किसका होता है? 12th स्टैंडर्ड में डिफरेंशिएशन चैप्टर में सीखा था हम लोगों ने, ये प्रूफ किया है। सर हम लोग को याद नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, वो चीज़ याद रख लेना, तेरे को कोई गम नहीं होता है। यहाँ पर देखो अभी क्या लिखेंगे, एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। कभी यहाँ पर इसका आंसर होता है पाई बाय टू, साइन और कॉस का इन्वर्स करेंगे तो आंसर क्या होता है पाई बाय टू। उसी तरह टेन और कॉट, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, आंसर क्या होता है पाई बाय टू, ये याद रखना। और कौन बचा, सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाय टू। ये कहाँ पर सीखा था सर? 12th स्टैंडर्ड में। सर हमको याद नहीं आ रहा, तेरे को याद करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ तू इतना ये पार्ट याद रख, ये कहीं ना कहीं तेरे को दिखेगा, देख लेना। होप सो तुम लोग को यहाँ पर दिखेगा, प्लीज इसको अच्छे से कॉपी कर लेना, अच्छे से कॉपी करो प्लीज। सो गाइस अब न्यूमेरिकल सीखते हैं हम लोग, क्या करना है, कैसे डील करना है न्यूमेरिकल्स को। होप सो तुम लोगों ने ए बी सी डी ई एफ वाला पार्ट जो था वो देख लिया रहेगा, कैसे किया कैसे नहीं किया, क्या क्या रिक्वायरमेंट है सब कुछ। देखो गाइस क्वेश्चन देख के तुम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी है। ऑब्वियसली यार दिख रहा है डिवाइड बाय टी, नहीं दिख रहा है तुम लोगों को, तो यहाँ पर देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्वेश्चन को ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, 1 - cos t, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, टी 1 सा टी, मतलब यहाँ पर होप सो तुम लोगों को दिख गया रहेगा ये डिवाइड बाय टी वाला प्रॉपर्टी है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अरे बोलो दिख रहा है, ग्रेट। तो इसमें एफ ऑफ टी क्या रहेगा, एफ ऑफ टी किसको रहता है, ये टी वाले को छोड़ देने का, ये टी वाले को छोड़ दो, जो ऊपर दिखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफ ऑफ टी। मीन्स वॉट, हम लोग बोलेंगे लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वॉट, लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वॉट, क्या लिखा जाएगा बोलो। अच्छा होप सो तुम लोगों को ये मालूम है, आशीष सर का पढ़ना ए, ए बी सी डी कौन सा है, ए मतलब पहले हम लोग लिखेंगे 1 - cos t लिखेंगे, दूसरा बी डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मेन फोकस है अपने को 1 - cos t निकालना। इसके लिए अगर सी पार्ट को ही लेता, सी पार्ट मतलब यहाँ पर लैपलास ऑफ e^1 -2t 1 - cos t और अपन में वॉट टी, ऐसा दिया है, समझ रहे हैं यहाँ पर। तुमने सर आपने तो बोला था ये पूरा एफ ऑफ टी को, मतलब न्यूमरेटर को एफ ऑफ टी बोलने का, नहीं अगर मैंने ये बोला तो मैं अभी भी तुम लोग बोल रहा है यस मैंने वही बोला था, लेकिन क्या तुम लोग कसम याद है, पहला कसम यह था कहीं पर भी एक्सपोनेंशियल दिखेगा उसको लास्ट में यूज करना, ये हम लोग ने बोला था, ये हमारा डील हो चुका था, ये हम दोनों, ये तुम्हारे और मेरे बीच में बात है कि कहीं पर भी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग याद करो e^2, अरे गाइस कुछ भी करो ऊपर वाले को करके सॉल्व करो, और मैंने रीजन दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने रीजन दिया है। तो क्या आएगा बोलो, यहाँ पर पहला क्या आएगा 1 - cos t, ठीक है यार इसको एफ ऑफ टी मानो, फिर उसमें क्या आएगा 1 - cos t डिवाइड बाय टी, इसमें डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, तीसरे पार्ट में e^4 -2t ये 1 - cos t अपॉन वॉट टी, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, एग्री करो तुम लोग यस और नो। नाउ व्हाट इफ अगर यहां पर सेम क्वेश्चन देता, इधर क्या करते हम लोग एस के जगह पे s + 2, ये तुम लोग से बात करने का कोशिश कर रहा हूं, यही क्वेश्चन में अगर यहां पर 0 से इंफिनिटी रहता, 0 से इंफिनिटी मतलब सेम चीज, यहां पर लैपलास नहीं होता, फिर लैपलास नहीं होता है यहां पर डायरेक्टली 0 से इंफिनिटी, तो यहां पर क्या बात हो रहा है 1 - cos t जो एस के जगह पे क्या लिखते हम लोग, एस के जगह पे 2 लिखते, याद रहे तुम लोग को यस और नो, ये क्लियर होना चाहिए। इसके लिए मेन एफ ऑफ एक्स को नहीं है, इसके लिए मेन एफ ऑफ एक्स को नहीं है, लेकिन अपना कंसर्न यहाँ पर क्या है वो तुम लोग क्लियर हो गया रहेगा। चलो यहाँ पर स्टार्ट कर दीजिए अपना, इतना छोटा वीडियो बनाने के लिए एक सम करने के लिए आपको इतना टाइम लग रहा है, तो गाइस कंटेंट भी मैच कर लेना जरा। चलो ठीक है गाइस यहाँ पर क्या सीन है, 1 - cos t, देखो
लैप्लस ले सकता हूँ डायरेक्टली, कोई सजाने की कोशिश कर रहा है, सजाना मतलब समझता है तुम लोगों को, सजाना मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं, वन का भी लैप्लस डायरेक्टली अवेलेबल है, कॉस टी का भी लैप्लस डायरेक्टली अवेलेबल है, टेकिंग लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू व्हाट, वन का वन अपॉन एस माइनस कॉस टी कॉस एस अपॉन एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए मतलब यहाँ पर टी के साथ जो चिपका था वन, वन का स्क्वायर वन, ये हो गया तुम्हारा, क्या मिला एफ ऑफ एस। नाउ व्हाट, अभी क्या हो गया सॉल्व, नहीं, नाउ व्हाट क्या लिखते हम लोग, नाउ डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, वहां पर क्या लिखते थे हम लोग, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी प्रॉपर्टी, डिवीजन ऑफ टी प्रॉपर्टी लिखो या डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, अरे मैथ सीख रहे हो, इंग्लिश थोड़ी ना सीख रहे हो, ऑफ लिखो या बाय लिखो कोई नहीं, तकलीफ सब चलता है, ये चीज याद रखना। यहाँ पर गाइस क्या करते हम लोग, लैपलेस ऑफ वन माइनस कॉस टी दिख रहा है सर, हाँ दिख रहा है, अपन वो टी जब जब ऐसा आएगा तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो मिल चुका है ये मिल चुका है, हाँ मिला है, वन अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन लेना है, लिमिट कहा से एस से इंफिनिटी, और ये पूरे को क्या बोलते हैं हम डीएस, बोले ये क्लियर हो गया तुम लोग को, हाँ यार देखो ये वही समय जो अपन ने किया था, क्या बोलते पेज में, अच्छा ये देखो ये कुंभोजकर से सॉल्व किया हुआ है, मतलब पहले मैं खुद सॉल्व कर लेता हूँ कि कितना इजी लग सकता है बच्चे लोग को, उसके हिसाब से बात करता हूँ, ये रेफरेंस के लिए मेरे, चलो तुम लोग नहीं सॉल्व इतना जादू करो कि आपको आता नहीं, आपके जैसा और मैं, अपन भी गरीब इंसान, तुम लोग भी गरीब इंसान, सेम सेम लेवल के, चलो कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पर गाइस देखो अभी यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ये चीज याद रखना, जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ये कौन सा डेफिनेटर है, नाउ गाइस यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, नाउ इंटीग्रेशन ये चीज याद रखना, ये कौन सा, इसके अंदर लिमिट डाला गया इन्फिनिटी और एस, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये कहीं ना कहीं डेफिनेट वाला है, और डेफिनेट में, और सर आपने बोला डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी में दो ही फॉर्मूला है, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर एस नहीं दिख रहा है, देखो इधर भी एस नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एस स्क्वायर नहीं है, मतलब यहाँ पर वो टाइम इनवर्स वाला नहीं है, दो ही फॉर्मूला तो सिखाए तुम लोग मैंने, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी डीएस तुम लोग समझो, वन अपॉन ए टेन इनवर्स ऑफ एस बाय ए, एक ये फॉर्मूला, और नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, तो हम क्या लिखते हैं लॉग ऑफ नीचे वाला, बोलो एग्री करो तुम लोग सब, यस और नो, यहाँ पर यही तो फॉर्मूला सिखाया है, नाउ व्हाट इसके बाद, यहाँ पर एवरीवन प्लीज देखो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, एस का डेरिवेटिव क्या हो गया वन, मतलब ये तो दिख गया, लेकिन यहाँ पर अभी देखो जैसा डेरिवेटिव इसके पास जाता है इसके पास, वैसे इंटीग्रेशन इसके पास जाएगा इसके पास, लेकिन क्या एक बार फॉर्मूल बना दो, देखो एस स्क्वायर प्लस वन यहाँ पर एस है, नीचे एस स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है टू एस, और वन का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, मतलब टू एस, ऊपर टू एस दिखना चाहिए, और ये गलती नहीं करना गाइस, जैसा हम लोग, मैं पहले बचपन में करता था एस एस गेट कैंसल, अरे भाई कौन सा केजी के, तुम लोग केजी जूनियर सीनियर है ना, थोड़ा कच्चा हो गया, तो इसका मतलब ये कैंसल नहीं होता है, जब ओवर ऑल मल्टीप्लाई होता है ना तो कैंसल होता है, ये याद रखना, तब कैंसल होता है, चलो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस एस स्क्वायर प्लस वन, नीचे का डेरिवेटिव क्या है, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एस, वन का डेरिवेटिव जीरो टू एस, तो यहाँ पर तो एस है, अरे गाइस तो तकलीफ का है किस बात का, यहाँ पर देखो ये क्या इंफिनिटी और ये क्या एस, वन अपॉन एस मैं बात कर रहा हूँ, देखो एक काम करते 2s से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड कर दो, बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोगों को, हाँ या ना। अब देखो गाइस इसको एक ब्रैकेट बना रहा हूँ, इसको एक ब्रैकेट बना रहा हूँ, क्या क्या कुछ मीनिंग चेंज हो गया, कुछ भी मीनिंग चेंज हो गया, देखो ना 2 ओवरऑल डिवाइड हो रहा है 2 ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इंटीग्रेशन इसके पास गया तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, तो क्या आ गया लॉग ऑफ नीचे वाला, बोलो एग्री कर लो, इसका माइनस माइनस ये 1/2 तो बाहर, देखो ये पार्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ये पार्ट का इंटीग्रेशन, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव करना है, हाँ ये प्रॉपर्टी बोलता है, कौन सा ये वाला, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, नाउ व्हाट एस स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव टू एस, तो लॉग ऑफ नीचे वाला, लॉग ऑफ नीचे वाला मतलब क्या हो गया, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन, मॉड नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मॉड लिख लो, चलो मॉड लिखेगा तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा इंग्लिश कर लो, यहाँ पर गाइस एक चीज याद रखना, ये इंफिनिटी और एस क्या होता है, ये तो तुम लोगों को पता होगा, हम लोग को क्या कर रहे हैं एस के जगह पे एक बार अपर लिमिट डालना है, एक बार लोअर लिमिट डालना है, तो यहाँ पर होता क्या है, चीजों को समझते गाइस, गलती से भी ये गलती नहीं करना कि सर 1/2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सजाने, पहले सजाना मतलब सर समझा नहीं, ये देखो ये जो 2 दिख रहा है, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या होगा, यहाँ पर क्या तुम लोगों को ये फॉर्मूला याद है, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू, दो लॉग रहेगा तो एक लॉग एम अपॉन एन, लेकिन दो लॉग के आगे मैंने नोट करके दिया था कि कोई मिशन विल बी ऑलवेज 1, तो यहाँ पर कोई मिशन क्या है 1/2 है तो नहीं चलेगा, एक काम करते हैं फॉर्मूला लगाने से पहले मुझे बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, हाँ सर आता है, ये 2 इधर डिवाइड करा, इधर क्या करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ मतलब 1 2 इनटू इसके साथ नहीं आगे मल्टीप्लाई करना है 2 लॉग एस माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस 1 ये दिख रहा है अपॉन में 1 2 2
यहाँ पर अपर लिमिट लगाना है, लोअर लिमिट लगाना है, वो बात की बात है, दूर है, दूर रखो। यहाँ पर टू कोएफिशिएंट है, एक चीज और कर लो, क्या तुम लोग को अभी भी लग रहा है लॉग एम माइनस लॉग एन तो गलत लग रहा है, क्यों? क्या तुम लोग को ये भी पता होगा लॉग एम एन तो हम लोग एन लॉग एम लिखते थे, अभी तो सीखा है। तो जब तू इधर से इधर गिरा सकता है तो इधर से ऊपर भी गिरा सकता है, मतलब ये जो टू है इसको ऊपर गिरा दे, और ये वन बाय टू, टू को कोएफिशिएंट है, टू कोएफिशिएंट मतलब एस, ये जो दिखता है इसका मतलब हो रहा है एस के जगह पर लगाना है, एस के जगह पे एक बार इंफिनिटी लिखना है, एक बार एस के जगह पे एस ही लिखना है। चलो इसको देखो, दो स्टेप एक साथ कर रहा हूं, टू लिखा लॉग, ये वन बाय टू ओवरऑल में से बाहर ले लिया, ये टू ऊपर पहुंच गया, एस स्क्वायर माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया सर? यस सर हो गया। अभी भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट बाकी है, लेकिन हाँ लगा देंगे उसको। यहाँ पर बोलो दो लॉग दिख रहे तो हम लोग क्या करते, बोलो जरा गाइस, वन बाय टू लिख देगा, हाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट तब लगाना जब थोड़ा सिंपलीफाई हो जाए, दो लॉग दिखता है तो एक लॉग लिखते आगे, प्लस हो रही है एस स्क्वायर माइनस ये नीचे लॉग एन माइनस लॉग एन, देखो इसके आगे क्या वन, इसके आगे क्या है, और एस स्क्वायर प्लस वन, ये क्लियर हो गया। अभी अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देते, हाँ लगा देते गाइस। एक चीज याद रखना हमेशा, लाइफ टाइम याद रखना, क्या लाइफ टाइम याद रखना है सर, किसको याद रखना है, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, किसको, नहीं नहीं किसी को याद मत रखो, सब धोखा दे के भाग जाएंगे एक दिन, एक ना एक दिन तो जाएंगे। चलो सौ में से दो धन का प्यार सक्सेस क्या डाजा मार दिया सर, अरे चलो अपना भी सेम नाइनटी एट वाले में से। चलो यहाँ पर एस स्क्वायर गाइस, ये चीज याद रखना पूरे एंटायर लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट है तो यही, सिखाने वाले तो कुछ भी सिखा के जाएंगे लेकिन तुम लोग को सीखना जरूरी है इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अगर मैंने एस के जगह इसका मतलब समझते, देखो अगर मैंने लिखा लॉग यहाँ पर देखो एस और यहाँ पर लिखा थ्री और फोर, इसका मतलब होता है अपर लिमिट क्या है, चलो यहाँ पर फोर लिखा और यहाँ पर थ्री, इसका मतलब होता है एक बार एस के जगह पे फोर लिखना है, बोलो एक बार एस के जगह पे क्या लिखना है, फोर लिखना है माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार एस के जगह पे क्या लिखना है, थ्री लिखना है लॉग एस के जगह थ्री, बोलो ये क्लियर रहेगा, या ऐसा करना रहता है ना। व्हाट अबाउट दिस वन, यहाँ पर चीजों को समझते हैं क्या सीन है, देखो हमेशा याद रखना अगर मैंने यहाँ पर अपर लिमिट लिखा, अपर लिमिट मतलब एस के जगह पे इंफिनिटी लिख रहा हूं, चलो एस के जगह पे इंफिनिटी लॉग, प्रॉब्लम समझना, लॉग इंफिनिटी एस के जगह पे इंफिनिटी लिख रहा है, एक बार अपर लिमिट इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी सर, ओके ग्रेट, अपॉन में व्हाट इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस वन इंफिनिटी, अरे समझ रहे कि नहीं, अरे हाँ है ना। फिर हमेशा माइनस, माइनस मतलब अपर लिमिट लिखा माइनस लोअर लिमिट, एस के जगह पे क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, देखो मतलब इतफाक की बात यह है कि सेम टू सेम ही आएगा, अरे बोलो एस के जगह पे ऐसे लिखना है। यहाँ पर गाइस गलती देखना, यहाँ पर लोग सोचते वो सही सोचते, मैंने एक इंजीनियर जब छोटा मतलब तुम्हारे एज का था ना, अभी भी आसपास ही हूँ सर, इतना कितना है बात में बताएंगे, बात करेंगे सर। यहाँ पर देखो इंफिनिटी इंफिनिटी कैंसिल वन बाय टू, और यहाँ पर जब इंफिनिटी कैंसिल होता तो लॉग वन, और माइनस इतफाक की बात देखना यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस वन, ये दिख रहा है तुम लोगों को, ये सुनो लॉग वन का वैल्यू जीरो होता है, दिमाग में बिठा लो, क्या दिमाग में बिठा है, लॉग वन का वैल्यू जीरो होता है, मैंने तुम लोगों को बोला लॉग के बारे में डिटेल एनालिसिस करना है तो जाने का मेरा लैपटॉप लॉगरिथम का सीरीज देख लेने का, लॉग वन का वैल्यू क्या होता है जीरो, वन बाय टू, और यह हो गया जीरो माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस वन, ओके गाइस यहाँ पर ये क्या होगा, देखो एक चीज मेरा दिमाग में रख लेना, ये माइनस जब अंदर जाता है, चलो गाइस यहाँ पर ओके गाइस ये चीज याद रखना, अपन ने लॉग का प्रॉपर्टी देखा था, कितने प्रॉपर्टी देखे थे, यहाँ पर लॉग एम के पावर में रहता तो एक ऐड कर लो उसी में, एम आ गया, और लॉग एम माइनस लॉग एन, दो लॉग दिखता है तो एक लॉग लिखते, पहले वाले को प्लस लिखते और नीचे वाले को माइनस, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, एक प्रॉपर्टी और लिख लेने का कभी लाइफ में, ये याद रखना लॉग लॉग अगर ऐसा ऊपर और नीचे है माइनस, अगर माइनस को अंदर फेंकना है, माइनस को लॉग के अंदर फेंक सकते, आंसर इज यस, क्या करना मालूम है, माइनस को अंदर फेंकने के लिए अंदर फेंको, और लॉग का जैसे ही अंदर जाता है ना ये एक्सचेंज हो जाता है, मतलब एन वाला ऊपर आता है और एन वाला नीचे आता है, ये चीज दिमाग में रख लो इंपॉर्टेंट है, ये तीन है, तीसरा प्रॉपर्टी मैं भूल गया था अभी यूज हो गया तो मैंने तुम लोगों को पहले बोला था, मतलब सर समझा नहीं, देखो लॉग यहाँ पर अगर समझो फाइव अपॉन टू है, ये दिख रहा तुम लोगों को, अगर माइनस अंदर फेंकना है तो फेंक दो, और ये क्या टू अपॉन फाइव, बोलो ये समझा तुम लोगों को, यस और माइनस प्लीज एक बार बोलना सीख लो, ग्रेट। यहाँ पर तो यहाँ पर वही चीज है, लॉग के आगे माइनस है, ये जीरो माइनस ये वही होगा ना, मतलब माइनस लॉग एस स्क्वायर अपॉन नॉट एस स्क्वायर प्लस वन, ये दिख रहा है तुम लोगों को। यहाँ पर एक गलती हुआ है लेकिन वो मैं बताऊंगा, थोड़ा रुक जाओ, वन बाय टू, चलो लॉग के अंदर बाहर माइनस है, माइनस अंदर फेंकेंगे तो क्या लॉग एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन नॉट एस स्क्वायर, गाइस ये चीज याद रखना, क्या याद रखना, हम लोगों ने गलत किया बट आंसर सही आया सर, क्या गलत हुआ, मेरे को तो नहीं लग रहा कुछ गलत हुआ, सही है ना। देखो तुम लोग बुक में देखोगे
मेरा आंसर भी डिटो मैच हो चुका है जैसा मैंने सॉल्व किया था। यहाँ पर देखो एक सॉल्व किया है। ओके तो सर गड़बड़ क्या हुआ? गड़बड़ बताओ। अरे सोचो जरा, थोड़ा सा सोचो। लाइफ टाइम याद रखना गाइस, ये सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैथ्स हो या फिजिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो सर, इंपॉर्टेंट चीज ये कहां पर आता है मालूम है तुम लोगों को? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बहुत जगह देखने मिलेगा, समझ गया? एक सब्जेक्ट होता है कंट्रोल सिस्टम, एक सब्जेक्ट होता है सिग्नलिंग सिस्टम। ये जो सब्जेक्ट दिख रहा है यहां पर कहीं ना कहीं दिखेगा। तो बच्चे लोग को यह पता नहीं होता इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इनडिटरमाइन होता है, इसको कैंसिल नहीं कर सकते लाइफ में। क्या बात, क्या बोला? वापस आंसर सही है सर। सर झगड़ा हो जाएगा अपने बीच में, हाँ झगड़ा हो जाएगा, चल मैं भी रेडी हूं भाई, लेकिन एक चीज तो मान ले, ये आंसर राइट है बट अप्रोच गलत है। क्या बात कर रहे हो? और मैडम इसको 3 में से 2.5 मार्क्स देती है अगर उसको पता रहेगा कि बच्चे ने ये किया है तो। कोई कोई टीचर ये सिखाता ही है कि भाई इंफिनिटी इंफिनिटी कैंसिल कर दे, वन आया लॉग वन का आंसर जीरो। अभी भी बोलो लॉग वन का आंसर जीरो तो है लेकिन इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी कैंसिल नहीं होगा, ये याद रखना। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ ये सही बात कर रहे हो, जब बात तो कर मेरे से यहाँ पर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। यार सिखाना बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन क्या हो जाता मालूम है? देख ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, छोड़ो यार, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी कैंसिल नहीं होता, बस ये चीज याद रख लो। सर बता दो ना क्यों नहीं कैंसिल होता? देख बच्चा यहाँ पर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इसको इनडिटरमाइन फॉर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनडिटरमाइन फॉर्म। देख लो अभी यार, छोड़ो बात, वीडियो का लेंथ बन गया, कोई देखता है कोई नहीं देखता है, लेकिन जो देखता है उसको तो फायदा होना चाहिए मेरे हिसाब से। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी इनडिटरमाइन मतलब ये मैथ्स में सॉल्व ही नहीं होता है, मैथ्स में पूरा मैथ्स में सॉल्व नहीं होता है। और एक बंदा है जीरो अपॉन जीरो, क्या बात बोल रही है, हम लोग तो सोच रहे थे जीरो अपॉन जीरो कैंसिल। अरे भाई कैसा सोच रहा है? टू अपॉन टू कैंसिल होके वन बचता ना सर, हाँ या ना? तो थ्री अपॉन थ्री कैंसिल होके वन बचता ना सर, हाँ या ना? तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कैंसिल होके वन क्यों नहीं बचता, जीरो अपॉन जीरो कैंसिल होके वन क्यों नहीं बचता, ये हमने कभी सोचा नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया सर। बोलो हाँ या ना, मानते भी नहीं। अरे सर चक्कर दिला दिया, सिखा क्या रहे थे, कहां से कहां पर पहुंच गया, एक पूरे 35 मिनट के वीडियो में एक न्यूमेरिकल लेके बैठे हो और उसमें भी भाषण देके हम लोग को कंफ्यूज कर दिया। बोलो चलो ठीक है यार, बताना नहीं मैथ्स में 100 में से 100 आया था, ये सब सोचा था मैंने, ये सब सोचा था जिसके वजह से। चलो यहाँ पर इनडिटरमाइन फॉर्म, इनडिटरमाइन फॉर्म क्या वो देखते हैं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। गाइस ये मानते हो तुम लोग अगर कभी भी लाइफ में पूरे एंटायर लाइफ में देखो दो चीज होता है, दो चीज याद रखना, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी। अगर नीचे इन्फिनिटी होता है तो आंसर जीरो होता है, और इन्फिनिटी अपॉन एनीथिंग आंसर क्या होता है, जीरो इन्फिनिटी आता है, ये याद रखना। तो गाइस यहाँ पर याद रख लो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी, अगर नीचे इन्फिनिटी होता है तो आंसर क्या होता है, जीरो, और ऊपर इन्फिनिटी होता है तो आंसर इन्फिनिटी होता है। चलो ठीक है गाइस, क्या यहाँ पर देखो मैंने इसको एक बार क्या बोला, इस इन्फिनिटी को एनीथिंग बोल रहा हूँ, एनीथिंग है ये, एनीथिंग कुछ भी होने दो, छोड़ो आपने तो बोला इधर कुछ भी होने दो, कुछ भी, तो आंसर क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, इसका आंसर क्या होना चाहिए, कुछ भी चलेगा, एनीथिंग मतलब समझता है कुछ भी चलेगा, इन्फिनिटी भी चलेगा, ये चीज आएगा। तो नीचे अपन बोल रहे हैं एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज व्हाट, जीरो। तो एनीथिंग मतलब ऊपर कुछ भी चलेगा, ठीक है, तो इसके हिसाब से नीचे क्या है, इन्फिनिटी, तो आंसर क्या होगा, जीरो। बोलो हाँ ना, तो अगर मैंने ऊपर वाले को कुछ भी मान लिया तो नीचे वाला इन्फिनिटी बोलेगा भाई मैं तेरे को आंसर क्या दूंगा, जीरो दे दूंगा, क्या दे दूंगा, जीरो। बोलो ये आंसर आ गया। और एक यूनिवर्सल ट्रूथ ये भी है, इन्फिनिटी अपॉन एनीथिंग, इन्फिनिटी मतलब समझता है, इन्फिनिटी अपॉन एनीथिंग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करोड़ लाखों जो भी लेने का वो ले लो, इन्फिनिटी अपॉन एनीथिंग इज व्हाट इन्फिनिटी, ये समझ गया, मतलब इन्फिनिटी। और यहाँ पर कुछ भी ले लो, कुछ भी, तो इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। अब मतलब नीचे वाले को जब मैंने कुछ भी माना तो ऊपर वाला इन्फिनिटी क्या बोल रहा है, भाई मेरे चक्कर में आंसर इन्फिनिटी आएगा, मतलब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ये तुम लोग क्या दे रहा है, दो आंसर दे रहा है, मैथ्स में एक क्वेश्चन का दो आंसर नहीं हो सकता, 2+2 हमेशा 4 होगा, कभी 6 हो गया तो भाई गलत है, उसको नहीं बोल सकता हम लोग। बोलो ये चीज समझता है, मतलब मान लो यार अगर नहीं समझे तो भी कोई गम नहीं, तुम लोग यूट्यूब पे जाना, अलग अलग वीडियो देखिएगा इनडिटरमाइन का, कभी ना कहीं सर्च कर लेना। चलो तो इसका मतलब बोलना क्या चाहता सर, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ भाई और बहनों, यहाँ पर कभी भी लाइफ में इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को कैंसिल नहीं करना। तो सर करूँ क्या, अभी तो आपने बोला इन्फिनिटी, तो ये याद रखना जो हाईएस्ट पावर वाला ना अप्रोच देखना आंसर सही में आएगा, हाईएस्ट पावर वाला, इसमें से अभी तक तो मैंने इन्फिनिटी और एस नहीं लगा, हाईएस्ट पावर वाला कैंसिल कर दो, हाईएस्ट पावर वाला मतलब एस पर जो दिख रहा है उसको रखो, ओके
नीचे में से एस स्क्वायर को कॉमन लो। अगर मैंने एस स्क्वायर को कॉमन लिया ना गाइस, ये याद रखना तुम लोग के लाइफ में ये चल रहा है कि 2 + 3x में क्या कॉमन नहीं आएगा। बोलो क्या कॉमन आएगा, क्या 3 आएगा, क्या 4 आएगा, क्या? अरे मैं बोलता हूँ आएगा। देख 5 को कॉमन ले लो तो 5 को आप 1 में कर देने का, मतलब सर समझा नहीं, जिसको कॉमन ले लो उसको डिवाइड में करने का। यही सब फंडा होता है कि जब तुम 4x और 8 में अगर 4 को कॉमन लेते हो ना तो तुम लोग क्या करते हो ये बताता हूँ। 4 को कॉमन लेना मतलब 4 से डिवाइड करना। जब मैं इसको 4 से डिवाइड करता तो x बचता है, जब मैं इसको 4 से डिवाइड करता तो 2 बचता है। अपन कभी ऐसा नहीं सोचते, हम लोग बोलते 4 को कॉमन, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेगा तो 4 तो 1, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेगा तो 8 2, हम लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन सोचने का सही तरीका क्या है, जिसको कॉमन लो उसको डिवाइड कर दो। मतलब सर मेरा बोलने का मतलब है अगर s² + 1 में से अगर एस स्क्वायर को कॉमन लेना है तो एस स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो एस स्क्वायर को एस स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो 1, 1 को एस स्क्वायर से डिवाइड कर दो कुछ कैंसिल नहीं होगा। ये समझा तुम लोगों को, देखो ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो सेम ही आंसर आ जाएगा। ये एस स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। चलो यार एस स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 1 + 1/s². ग्रेट सर, आगे बोलो। अभी तो मैंने एस इंफिनिटी और एस को नहीं लगाया, अब ये कैंसिल हो गया। बोलो क्या हो गया, 1/2 log 1/1 + 1/s², ठीक है गाइस। ये चीज याद रखना, ये क्लियर रखना। नाउ अब यहाँ पर अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाओ। अपर लिमिट और लोअर लिमिट मतलब एस की जगह पे क्या लिखना है, इंफिनिटी। एस की जगह पे इंफिनिटी, देखो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, 1/2 से सेम ही आएगा लॉग। बोलो 1/1 एस की जगह पे इंफिनिटी लगा रहा हूँ, चलेगा? एस की जगह पे इंफिनिटी मतलब सर अपर लिमिट लगा रहा हूँ, चलो अपर लिमिट, ये बड़ा ब्रैकेट अपर लिमिट लॉग ग्रेट 1/1 + 1/1 ये s s मतलब s की जगह पे इंफिनिटी लगा रहा, अपर लिमिट इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, ये हो गया अपर लिमिट। बोलो ये क्लियर हो गया। माइनस log s की जगह पे s ही लिखना, मतलब सेम टू सेम आएगा 1/1 + s², ये क्लियर हो गया तुम लोगों को? हां ग्रेट। यहां पर देखो गाइस 1/anything अभी तो सीखा था, anything upon infinity ये तो क्लियर रख लो। anything upon infinity is what, 0 अभी पढ़ा था, तो 1/2 तो ये क्या हो गया log, ये 1/2 तो सबके कॉमन, 1/1 + ये क्या हो गया 1/anything is 1/∞ is what 0, ये क्लियर हो गया। माइनस log इसको सॉल्व कर दो, अभी अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैंसिल हो चुका है, ये याद रखना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सेम ही आएगा s² + ये 1/s², ठीक है गाइस आगे बोलो। ये देखो 1/2 लिखा, हां सर log 1 + 0 1 1/1 1, ये क्लियर हो गया तुम लोगों। माइनस log नीचे का नीचे ऊपर वाला जाके मल्टीप्लाई होता है, ये तो सेम ही आ गया सर। हाँ ठीक है ठीक है, log 1 का वैल्यू अभी सीखा था, log 1 का वैल्यू 0, log 1 का वैल्यू 0, अरे क्या बात कर रहे सर, ये तो सेम ही दिख रहा है मेरे को। अरे यस यार गाइस यस, देखो मैंने बोला था आंसर राइट आया, 1/2 लिखा, हाँ ठीक है। ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, log ये ऊपर रेशियो चेंज हो जाता है, s² + 1/s². देखो ये आंसर है, मतलब फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर क्या हो गया, 1/2 log s² + 1/s², ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। एक बार मैं भी वापस क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लेकिन चीजों को समझना पड़ेगा कि हमसे क्या गलती हो जाता है, हम क्या सोचते हैं, क्या वाकई में वो असलियत में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। समझा, इसके क्वेश्चन में ना एग्जिस्ट का आता है क्वेश्चन, एग्जिस्ट वाला कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तुम लोग धीरे धीरे समझाऊंगा सब कुछ। देखो ये वीडियो का लेंथ 40 मिनट्स के आसपास हो गया, चलो ठीक है कोई नहीं। यहाँ पर ये क्लियर हो गया, ये सम के बारे में एक सम से तुम लोग को इतना आइडिया मिल चुका है कि अभी तुम लोग लाइफ का कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो सबसे पहले फंडा, एक क्वेश्चन में सर ने क्या भाषण दिया, 2 मिनट में रिकैप करते, 40 मिनट का कंसेप्ट 2 मिनट में बात करते। सर आपने पहले यहाँ पर बोला यहाँ पर गाइस प्लीज 2 मिनट का बात है, 2 मिनट का बात है। Divide by T property में sir numerator को f of t नाम देने का और divide में जो रहेगा उसको division by T property के apply करने के लिए हम लोग integration करते हैं। integration में नागिन जैसा कुछ तो दिखता है upper limit upper infinity और lower limit s, ठीक है गाइस। उसके बाद आपने सीखा है कि infinity में मतलब मेरे को कहीं ना कहीं integration use होने वाला है। दो integration होता है, पहला 1/s² + a² दूसरा नीचे का derivative ऊपर वाला, तो log of नीचे वाला। ग्रेट सर आपने देखा कि tan inverse का दो formula लग रहा है, tan inverse का कौन सा x plus y, tan inverse of x plus tan inverse of y। तो दो tan inverse रहेगा तो एक notes में देख, notes में देख, और आप बन कर क्या सोच रहा है या नहीं समझ रहा है ये चीज बता। दो tan inverse है तो एक tan inverse लिखने का, x plus y upon root 1 - xy। ग्रेट सर माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, ऊपर प्लस, अगर बीच में प्लस है तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस, इधर माइनस तो इधर प्लस, यहाँ पर भी माइनस, नीचे क्या होता है साइन चेंज। ग्रेट, लॉग के 3 फॉर्मूला सिखाए सर आपने, तो 2 ही लिखा है, तीसरा वाला बताया तुम लोगों को यहाँ पर, ये याद रहा है। पहला फॉर्मूला लॉग एन के पावर में एन रहेगा तो एन को नीचे गिरा दो, दूसरा 2 लॉग दिखा तो 1 लॉग लिखो, प्लस एम वाले को ऊपर और एन वाले को नीचे, ये क्लियर हो गया, बीच में माइनस है ना। तीसरा अगर लॉग के बाहर माइनस है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस लॉग के बाहर के माइनस को अंदर फेंकने के बाद
और रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। फिर आपने सर एक सम लिया, क्या समझा, वन माइनस कॉस टी अपॉन वॉट टी, ये लिखा कुछ और था लेकिन आपने कैसे कर दिया इसको सिस्टमैटिक, ऊपर वाले को आपने एफ ऑफ टी दिया और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक कहीं यूज नहीं हो, डायरेक्टली लैपलास मतलब लैपलास अवेलेबल है। जैसे ही लैपलास अवेलेबल किया तो आपने इंटीग्रेशन लगा दिया। इंटीग्रेशन आने के बाद आपने कुछ तो बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया। कौन सा लंबा चौड़ा भाषण? मैं रिविजन तुम लोग को करा रहा हूँ, मुझे आता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर तो क्या हो गया, जैसे मैंने यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाला, अपर लिमिट डाला तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वन होता है, ये मुझे मालूम था लेकिन सर को नहीं मालूम था, तो सर ने कुछ अलग ही फंडा ले लिया। उन्होंने बोला कि जो जो कॉमन ले लेने का, जो हाईएस्ट पावर वाला रहेगा ना उसको कॉमन ले लेने का, फिर उसको कैंसिल करके वन अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा। एस की जगह पे इन्फिनिटी डालोगे तो एस वाला फंडा नीचे आ गया, वन ऑफ एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज़ जीरो। तो तुम लोग को देखिएगा अल्टीमेटली तुम लोग को लॉग वन ही मिलेगा, लेकिन हम तो पहले स्मार्ट बच्चे थे, एकदम एकदम आड़े वाले बच्चे थे, हम लोग डायरेक्टली लॉग वन लिखते थे और सर तो आए घुमा फिरा के लॉग वन लिख रहे, क्योंकि जो तुम लोग यूज कर रहे थे वो फंडा मैथ्स में एग्जिस्ट नहीं होता है। जो आशीष सर यूज कर रहे वो फंडा यूज होता है, लेकिन हम लोग को इजी तो तुम्हारा ही वाला लगता है। तुम्हारा मतलब यू, यू मतलब अगर तुम्हारा नाम समझो पूनम है, या तुम्हारा नाम साहिल है, या तुम्हारा नाम फैजान है, या तुम्हारा नाम आमिर है, जो भी है, यहाँ पर ये तुम सोचते थे कि लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी कैंसर होता है लॉग वन, लेकिन ठीक है हम लोग आने वाले सम में बहुत अच्छे अच्छे सम्स कवर करेंगे जहां पर क्लियर हो गया रहेगा ना। इसके बाद सेकंड टाइम में आपने क्या किया, एस को ऑम लेके कैंसिल किया, इन्फिनिटी लगाया और फिर एस के जगह पे एस लगा, बोलो एग्री कर रहे हो ना। इसके बाद सॉल्व किया और माइनस वाले को अंदर फेंका, सॉल्व मैच हो गया ना। ये सब मजेदार था सर, मजेदार था, प्लीज इसको अच्छे से कॉपी करना। सो गाइस सेकंड सम देखते हैं यहां पर और सेम अप्रोच यूज करना है, कोई तकलीफ नहीं है। लैपलास ऑफ व्हाट, साइन स्क्वायर 2 थीटा टी अपॉन योर टी, क्या दिख रहा है यहां पर, चिल्ला के बोल रहा भाई डिवाइड बाय टी हो रहा है, डिवाइड बाय टी मतलब तुम लोग समझ गए होंगे। यहां पर पहला पार्ट ऊपर साइन स्क्वायर 2 टी, ठीक है, सेकंड पार्ट साइन स्क्वायर 2 टी के बाद क्या आएगा, अपॉन योर टी आएगा, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। तो मतलब ऊपर वाले को हमने एफ ऑफ टी डाल दिया, साइन स्क्वायर देखो इसका लैपलास अवेलेबल नहीं है, साइन 2 टी का लैपलास अवेलेबल है। साइन स्क्वायर थीटा होप सो तुम लोगों को मालूम होगा, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन वॉट 2, लेकिन यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन वॉट 2, ठीक है। अब मतलब यहां पर दोनों जगह कॉस 2 थीटा रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा 2 थीटा, मतलब थीटा का डबल करना है, डबल क्या लिख रहे हैं यहां पर, डबल। तो यहां पर ये बताओ 2t का डबल क्या हो गया, 4t अपॉन वॉट 2, ये क्लियर हो गया तुम लोगों को ना। ऑल्सो तुम लोगों को ये भी मालूम होगा, ये तो अपना भाई सबसे बेसिक सम वाला है ये f of t, अभी लैपलास अवेलेबल है, टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड, 1/2 बाहर आ जाएगा, ग्रेट सर आगे बोलो, 1 का लैपलास 1 अपॉन s cos s अपॉन s2 plus a2, मतलब t के साथ जो चिपका हुआ 16, बोलो ये क्लियर हो गया। अब नाउ व्हाट, नाउ डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी, नाउ देखो हो गया यार डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी, अभी तुम लोगों ने तुम्हारा एक्सपीरियंस बोलना चाहिए, बोलो क्या होगा इसके लिए लैपलास, ये होता है डिवीजन बाय व्हाट, टी प्रॉपर्टी, टी प्रॉपर्टी, बोलो क्या होगा लैपलास ऑफ साइन स्क्वायर 2t बाय t, ये क्या होगा, बोलो इंटीग्रेशन लगेगा सर किसका, जो मिल चुका है 1/2, देखो 1/2 भी हां यहां पर 1 अपॉन s माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16, बोलो ये क्लियर हो गया। और यहां पर ds सर इंफिनिटी और s आएगा, ग्रेट ग्रेट बहुत अच्छी बात बोला सर, 1/2 ओवर मल्टीप्लाई हो रहा, ठीक है उसको बाहर ले लेते 1/2, आगे बोल क्या होगा यहां पर, ये नागिन जैसे कुछ तो s और इंफिनिटी आएगा, 1 अपॉन s माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16। नाउ सर अभी आप क्या करने वाले मालूम है, देखोगे कुछ अरेंजमेंट कर सकते हो क्या, देखो नीचे का डेरिवेटिव पर सर ये सेम सम है सर, अरे वाह भाई मेरे बहन मेरी एक बार प्यार से बोल दे क्या यही सम था, 1 माइनस कॉस थीटा पहला वाला सम, मतलब साइंस को 2t कुछ और नहीं है तो अपने को आता है। तुम लोग सोचो एक बार f ऑफ t की जगह पे क्या क्या सकता है, ये f ऑफ t के बारे में जनरल सुपर 30 इक्वेशन मिसेलेनियस टाइप के हर एक टाइप के सम्स आ चुके हैं, जितने भी किया उसी में से आएगा, साइन ने कॉस को मारा, कॉस ने साइन को मारा, साइन ने साइन को मारा, कॉस ने कॉस को मारा, साइन और कॉस मल्टीप्लाई करें बट कॉस हाइपरबोलिक होता है तो हम लोग हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये भी याद होना चाहिए गाइस, तुम लोग मुझे ऐसा फील होता है, दिल से फील होता है कि तुम लोग को सब कुछ आता है, जो फील कर रहा हो तुम लोग अगर मान लो तो ठीक ही है, ऐसा ना हो जाए कि तुम लोग बोलेंगे सर 17th वाले लेक्चर को डायरेक्टली जंप कर दिया तो भी मतलब नहीं रहेगा। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला ठीक है गाइस, मिल गया, s का डेरिवेटिव 1, s स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s और 16 का 0, मतलब क्या है 2s आना चाहिए तो ऊपर 2s है, तो एक काम करते ना भाई मेरे बहन मेरी, यहां पर बताओ 1/2 कैन वी राइट इसको s और इंफिनिटी 1 अपॉन s, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 और ये 2s अपॉन व्हाट s स्क्वायर प्लस 16। नाउ गाइस होप सो तुम लोगों को समझ आ गया क्या है ऐसा ब्रैकेट, अब यहां पर 1/2 बोलो log इसका क्या जाएगा, log s नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, ये 1/2 ऐसा आएगा log, बोलो यहां पर क्या आएगा
लॉग, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला तो लॉग ऑफ नीचे वाला। अरे यार अभी तो थका हूं मसल को, यहां पर 1 / 2 मेरी दुआ लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 लॉग s माइनस लॉग s स्क्वायर प्लस 16। बोलो गाइस अपॉन ओवर 2। अब सर ये 2 2 जा 4 हो गया। फ्रेंड्स सर ये तो अभी हम लोगों के पास एक्सपीरियंस हो गया। अब यहां पर क्या हो गया 1 / 4 और यहां पर लॉग, अभी ये भी हम लोगों को मालूम पड़ गया। आप बोलोगे लॉग m माइनस n वाला, लेकिन ये 2 तकलीफ दे रहा है तो ये 2 ऊपर, तो लॉग s स्क्वायर सर सेम सम तो है ऐसा लग रहा है माइनस ग्रेड्स। अगर तुम लोग लग रहा है सेम समय तो इसका मतलब तुम लोग तो लोग मेरी फीलिंग पहुंच चुकी है। कौन सी फीलिंग है सर आपकी? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली नहीं, एक स्टूडेंट और एक दोस्त में, दोस्ती वाला। फ्रेंड्स एकेडमी चैनल का नाम हमेशा याद रखना, समझ रखा। अभी तो कोई फ्रेंड्स एकेडमी वाला चैनल आया था आशीष सर नाम तो उनका, चलो आशीष सर नहीं बोला आशीष भाई बोल दो चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पर गाइस अभी हो गया लॉग एम माइनस लॉग एन, ग्रेट सर क्या आएगा बोलो सर? ये अभी तक जब इसे मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया तो अपर लिमिट इंफिनिटी लोअर लिमिट एस, अपर लिमिट इंफिनिटी लोअर लिमिट एस, तो अपर लिमिट इंफिनिटी लोअर लिमिट एस। अब मुझे मालूम है कि सर आप क्या करोगे 1/4 लॉग, जब 2 दिख रहा है तो क्या करो एस स्क्वायर और यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 16। सर ये गलती वाला चांस जो हम लोग ने किया था, हाँ हाँ तुम लोग ने बोला था ना इन्फिनिटी वाला, अरे बोलो याद आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कैंसिल हो जाएगा। उससे अच्छा सर आपने बोला था, क्या ओपिनियन था मेरा बोलो कि यार एक काम करो स्मार्ट अप्रोच करो। देखो कहीं एक बार बताओ जिसको सॉल्व करने में तकलीफ हो रहा ना वो लॉग इन्फिनिटी सॉल्व ही मत करो, माइनस लिखने का डायरेक्टली लॉग एस वाला सेम टू सेम लिखने का, ये याद रहेगा। चलो लेकिन एक फॉर्मुलिटी एस स्क्वायर लिखा, हाँ ठीक है एस स्क्वायर को कॉमन ले लो, क्या बचा यहाँ पर 1 प्लस, तुम लोग मालूम एस स्क्वायर को कॉमन लिया तो 16 अपॉन एस स्क्वायर आ गया। बोलो ये क्लियर हो गया इन्फिनिटी और एस, ये गलत कर रहे सर आप। ये देखो ये ब्रैकेट इसका था, ये ब्रैकेट इसका, यहाँ पर पूरा आएगा ये पूरा ना, इधर इन्फिनिटी और यहाँ पर एस। बोलो गाइस अब मुझे बोलो, देखो s square get cancel, s square get cancel, सिंपलीफाई नहीं करने का सर, आपने हम लोगों को सिखाया अभी 1 upon 1 plus 16 upon s square। अब क्या आएगा गाइस बोलो जरा, s के जगह पे इंफिनिटी और पहले s के जगह पे अपर लिमिट मतलब इंफिनिटी 1 by 4। देखो सॉल्व नहीं करोगे चलेगा, लेकिन ठीक एक बात बता देता हूं, इन्फिनिटी डाला तो क्या रहेगा 16 अपॉन इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज नॉट जीरो, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा 1 + 0 1, 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 1, तो यहां पर 1 लिखेंगे माइनस लॉग s की जगह पे s लिखना है, मतलब यहां पर 1 + 16 अपॉन s स्क्वायर, कोई तकलीफ नहीं होगा सर। यहां पर लॉग 1 का वैल्यू 0 हो गया 1 / 4, देखो 0 माइनस यहां पर क्या लॉग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो s स्क्वायर, ग्रेट सर यहां पर आएगा 1 अपॉन देखो s स्क्वायर प्लस 16, ये नीचे s स्क्वायर लिख तो ऊपर चलेगा s स्क्वायर। बोलो ये क्लियर हो गया? अब सर आप क्या करोगे मालूम है, ये माइनस को अंदर फेंक दोगे, माइनस को अंदर फेंक के ना आप अंदर का साइन रेसिप्रोकल कर देते हो 16 अपॉन s स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर है। देखो यहां पर sin स्क्वायर 2t आया, क्या आया sin स्क्वायर 2t। अब यहां पर चीजों को समझते हैं गाइस, अगर समझ जाओगे तो बहुत अच्छी रहेगा। देखो यहां पर sin को 2t बोलो या इसके पहले वाला सम बोलो, दोनों क्या थे ऑलमोस्ट सेम थे, ऑलमोस्ट सेम मतलब यहां पर 90% सेम ही था सम, यहां पर कोई डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं था गाइस। ये देखो इसके बाद तुम लोगों को ये चीज याद रखना है, कभी लाइफ में कभी टाइम कम मिला जैसे कि यहां पर अभी जैसे गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके लिख लो ना, होप सो तुम लोगों ने किया रहेगा। अब मैं तुम लोगों को अपना फंडा बताता हूं, यहां पर याद रखना जब मैं था ना तो मैडम इतना तो मुझे मालूम पड़ गया कि यहां पर सीन क्या है, लेकिन भाई तू बता तेरे को ये पटेली की दिखा रहा किसको है, किसको दिखा रहा है, किसी को तेरे को क्या लगता है तू ऐसा लिख देगा तो मैडम तेरे पे फिदा हो जाएगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैडम को ये नॉलेज ऑलरेडी है, तो ये याद रखना तुम लोग जब बुक में देखोगे तो वो लोग डायरेक्टली करते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/4 माइंड में कर लो, जब अपर लिमिट अरे माइंड में कर लो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो गाइस इन्फिनिटी डालना तो इन्फिनिटी लॉग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, हम लोग सोचा था कैंसिल होकर 1 बचेगा, अरे लिख लेना लॉग 1, मैडम को लगता है कि तूने वही सोचा जो बुक में या मैडम ने सोचा, लेकिन तूने तो कुछ और सोचा ना, लेकिन गलती से भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी दिखा मत। बोलिए समझ गया कि नहीं? अरे बहुत समझा मैंने, क्या बोला एक बार ध्यान समझ, तू दिखा रहा था ना इसके लिए कॉमन लेके, वो दिखा मत, वो तेरे पास ही रख, किसी को समझाने रहेगा बेटा बेटी बहू कभी तो बन जाएगी ना, बहू बेटे का गर्लफ्रेंड या जो भी कभी तो बन जाओगे ना, चलो उससे पहले टपक गए तो बात अलग है। चलो यहाँ पर गाइस बोलने का मतलब ये कि दिखा मत कि तू क्या सोच रहा है, तू यहाँ पर अपने बैकग्राउंड में इंफिनिटी और इंफिनिटी लेके कैंसिल कर दे, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर लॉग बना गया माइनस एस की जगह पे ऐसे लिखना है क्या बात कर रहे सर, यस गाइस सही सोचा, लॉग 1 का वैल्यू 0 यहाँ पर 0 माइनस लॉग, देखो ये भी तो सही अप्रोच था, मैं तो रहेगा तो ऐसे ही करूंगा, ये याद रखना सर। यहाँ पर 1/4 क्या ही फर्क पड़ेगा, लॉग माइनस को अंदर फेंक देंगे तो क्या आएगा ये चेंज एस स्क्वायर प्लस 16 अपॉन ओवर एस स्क्वायर, देख मगजमारी से बच गया
बोल दे एक बार, समझा कि नहीं समझा? यहाँ पर चीजों को समझना पड़ेगा, जो चीज है ही नहीं वो हम लोग ने सोच के उससे सॉल्व कर दिया। अरे ठीक है ना यार, किसको दिखाना है पटेलीगिरी, किसको ही कराना है, ये चीज क्लियर कर लो। गाइस होप सो मुझे लगता है तुम लोगों को पसंद आया रहेगा वीडियो, एक घंटे के आसपास वीडियो बन चुका है। और यार शेयरिंग करो यार, तुम लोग से रिक्वेस्ट कर करके मैं थक गया, लेकिन तुम लोग शेयर नहीं करते, देखते हो फायदा उठाते हो उसके बाद बोल याद रखते हो अच्छा फ्रेंड्स अकेडमी था। भाई कभी दोस्तों की मदद कर, उन लोग भी तेरी तारीफ करेगा और मेरे भी फायदा हो जाएगा, चलेगा, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। ये समझ लो तुम लोग ऑफलाइन क्लास लगाओगे ये सब सब्जेक्ट का 8000 चार्ज करते हैं, 8000 नॉर्मली मुंबई में, अभी पता नहीं तुम्हारा लोकेशन क्या, मुंबई में 8000-10000 चार्ज करते हैं। एंड मैथ फ्री, मैं पूरा फ्री में कंटेंट डाल रहा हूँ ना यार, और मेरा एश्योरेंस ये कि मैं उनसे बेहतर दे रहा हूँ, उनसे बेहतर दे रहा हूँ, सब कुछ प्रीफर कर रहा हूँ गाइस, गूगल यहाँ पर, मैं इवन यूट्यूब चैनल भी रिफर करता हूँ कि यार मेरा कंटेंट का कोई मैचेबल है या नहीं है, तो मैंने देखा। ये तुम लोग पे छोड़ देता हूँ कि तुम लोग मैच करो कि कंटेंट किसका मैचेबल है किसका नहीं है, ठीक है गाइस। मैं डायरेक्टली ये वीडियो पे एंड करता हूँ, मैं थर्ड नंबर सम से नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, वीडियो का लेंथ बढ़ा इसलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।